आप राजनीति से भी हैं, प्रसंग करना चाहूँगा, हालांकि इस क्षेत्र का प्रसंग नहीं है, लेकिन राजनीति में विशुद्धिकरण हो गया है कि राजनीति आज दोपहली राजनीति हो गई है। लोग जिस तरह से पहले सिद्धांतों की राजनीति करते थे, विचारों की राजनीति करते थे, पार्टी से जुड़ते थे, विचारधारा से जुड़ते थे, जैसे कि अभी हालिया उत्तर प्रदेश से हैं आप, तो उत्तर प्रदेश का एक वाक्य आया है जो जूता कांड हुआ है, जूता से जाना जा रहा है और दोबारा दूसरा भी हुआ है, तो जूता एक जनप्रतिनिधि जो चुनके आता है, जनता जिसे चुनके भेजती है, दूसरा जनप्रतिनिधि उसे जूता, तो ये आचरण कैसे देखें? क्या हम सिर्फ जूता और चप्पल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ है। जो घटना कल घटी त्रिपाठी और बघेल के बीच में, किसी अन्य पार्टी के लोग नहीं थे जो सिद्धांत की बड़ी बातें करते हैं, चाल चरित्र चेहरे की, उन्होंने चाल चरित्र चेहरों वालों ने अपना सब दिखा दिया। और जब उनसे बोला गया कि ये क्या है, बोले हमारे घर की बात थी। मीडिया पहले क्या की बात ऑफिस में नहीं होती है ना, आप मैं एक चीज बताऊं, पहले ऐसी बातें होती थी कि लोगों को मालूम नहीं पड़ती थी। जूतम पैजाम पहले से भी होता था, कुछ लोग करके दिखाते थे, कुछ लोगों ने तो जाके सरेआम चौराहे के ऊपर पकड़ के मिनिस्टर को मारे हैं, लेकिन उसको मीडिया वालों ने भी दिखाया, और उन्हीं के पार्टी के, जहाँ ये घटना घटी है वहाँ से थोड़े 100-150 किलोमीटर पर बहुत कुछ हुआ है। सिंह साहब कैसे देखते हैं आगामी 2019 का चुनाव है, क्या मैं ऐसा पॉलिटिकल पॉलिटिकल में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जहाँ पर मैं हूँ, जिस पद पे मैं हूँ, वहाँ पर ये जिस केबिन में मैं बात कर रहा हूँ, उस केबिन में ये शिक्षा का क्षेत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से हमारे साथ सिंह साहब मौजूद थे, उन्होंने किस तरह से बताया राजनीति और शिक्षा दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। राजनीति में शिक्षाकरण जो शिक्षा होती है, शिक्षा में राजनीति का मिक्सअप नहीं होना चाहिए, उनसे सारी चीज़ें खराब होती हैं। देखते रहिए सक्षम न्यूज इंडिया को। राम मिश्रा के साथ अंशुल प्रताप सिंह, मुंबई।